सो हेलो भाई, लोग भाई रुक जाओ वंस मोर अरे भाई 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 बेचारा अभी तक चिल्ला भी नहीं पा रहा यार, अभी तक छोटा ही है भाई इसका साइज भाई, ठीक है इसका ही है, तुम कुछ और नहीं समझ लेना। बेचारा हमारा स्पाइनो अभी तक छोटा ही है, उस रीजन से छोटा गाइस यहाँ पे बेचारा चिल्ला भी नहीं पा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्ले एज ए डायनो का। और आपको पता ही होगा गाइस की प्ले एज ए डायनो में हमने यहाँ पे जो ना गाइस एक मिशन पे, हम जो यहाँ पे एक मिशन पे निकल चुके हैं, और वो मिशन ये है कि हमको कुछ भी करके यहाँ पे स्पाइनोसॉरस की एक बड़ी सी आर्मी बनानी है, और उस आर्मी से हमको यहाँ पे पेलम्पाल देना है उस खतरनाक एंड डेंजरस सी ब्रूड मदर को। यस गाइस, वही ब्रूड मदर जिसको पिछले एपिसोड में हम हमारे रेक्स की आर्मी से मार नहीं पाए थे, उसको भाई मारने का काम हम आज की इस एपिसोड में नहीं मतलब इस वाली सीरीज में करने वाले। और उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूज करी है स्पाइनो आर्मी, और ये प्लेयर्स डायनो जो ना आगे जाके मल्टीप्लेयर होने वाला है गाइस, और इसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे, ऐसे ऐसे भाई यहाँ पे भाई कांड होने वाले जो आपने कभी सोचे ना होगे। तो गाइस ऐसे कंटिन्यू देखते रहना प्लेयर्स डायनो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लेयर पीवीपी होने वाला है बहुत ज्यादा जल्दी। और गाइस आज का जो एपिसोड है उसमें हम क्या करने वाले आपको बता होगा गाइस कि प्लेयर्स डायनो में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई घर। जब तक घर नहीं बनता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, अंडे बिंडे हैच नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को सबसे पहले घर बनाना है। लेकिन घर बनाने के लिए मेरे को ठाकुर के हाथों की जरूरत है भाई। ठाकुर बोले तो अपना रेक्सवा, जो हमारा रेक्सवा होता है उसके हाथों की सख्त जरूरत मेरे को यहाँ पे पड़ रही है। इसलिए जो ना गाइस अपन क्या करने वाले गाइस आज के एपिसोड में, हम ये जो समंदर देख रहे हो खतरों से भरा हुआ समंदर, वैसे आपको पिछली बार इस समंदर के अंदर क्या हुआ था बताने की जरूरत नहीं है गाइस, हमारे कितने सारे डायनोज इस समंदर के अंदर अल्फा मेगलाडोन ने खा लिए थे। और आज मेरे को ये खतरों से भरा हुआ समंदर पार करके उस आइलैंड पे पहुंचना है, और वहां से मेरे को यहाँ पे ठाकुर बोले तो हमारा जो रेग से उसके हाथ लेके आने गाइस, और उससे हम घर बनाएंगे। और गाइस घर बनाने के बाद हम निकल जाएंगे हमारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए गाइस, ठीक है। तो गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, बड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है गाइस ऐसी खतरनाक सी वीडियो बनाने के लिए। तो बड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग भी दिखाने के चैनल की और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगी, दोनों को जरूर चेकआउट कर लेना। वैसे आनी के चैनल पे आपको पता होगा कि एक खतरनाक सी सीरीज भाई चल रही है भाई मिथिकल वर्ल्ड की, तो वो भी जरूर देख लेना। तो चले भाई लोग खतरों से भरा हुआ हमारा एडवेंचर शुरू कर देते। और यहाँ पे हमको अभी ये देख रहे हो ये जो सात समंदर है ना गाइस, ये पार करके जाना है। और अभी मैं कुछ किसी भी समय यहाँ पे एडल्ट हो सकता हूँ भाई, मैं अपना स्टैमिना पूरा का पूरा रिकवर कर लेता हूँ, पानी के बीच में मैं स्टैमिना रिकवर नहीं कर पाऊंगा। चलो जय भद्रकाली बोल के पानी में कूद ही जाते हैं भाई, ठीक है। पानी के अंदर से जाएंगे रे, ऑक्सीजन लेके तेरा डरते क्या भाई पानी के अंदर से, और नीचे चल और नीचे चल। अरे चिल्लाता का ही कोई बाबा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेगा, पानी में अपनी जीव खाने बाबा, ठीक है। कोई आजू बाजू मेरे को मेघला बिगला डॉन भी, अरे एक जेलीफिश भी दिखाई नहीं दे रही है। अबे पूछ गया मैं आइलैंड पे, मैं खामखा डर रहा था। अबे तेरी स्पीड इतनी ज्यादा है क्या बेटा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, मेरे को आइलैंड पे पहुंचा दी इस भाई ये है गाइस, देखो तो भाई कितना इजीली पहुंचा दी आइलैंड पे। अबे पिछली बार तो कौन सी नसूडियत लगी थी फिर भाई, मेरी रेक्स भाई हाई लेवल के रेक्स को। हाँ भाई देखो कौन मेंटा यार, रुक 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 रुक, नहीं ना प्रसाद देखे जाएगा, प्रसाद देखे जाएगा तेरे को, रुक रुक रुक, मैं प्रसाद लेके जा बेटा, रुक 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 बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा, तेरे को प्रसाद दिए बिना तो मैं जाऊंगा नहीं भाई ना, हमसे टकराएगी, हमसे जो टकराएगा बेटा चूर चूर हो जाएगा। रुक जा, वो मेंटा तो भग गई, तू रुक जा, तू रुक बेटा, तू रुक, तू रुक, तू रुक 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 रुक, भगती है भगोड़ी, रुक जा, मेंटा की बच्ची, मेंटा की बच्ची भेज क्या भग भग, मेरे ऊपर अटैक करेगी, बताओ मेरे ऊपर अटैक करेंगे भाई। कितना बड़ा हो चुका हूँ यार, कितना बड़ा हो गया हूँ अभी तक गाइज, मैं जो ना गाइज यहाँ पे लाइक 90% बड़ा हो चुका हूँ, और थोड़ा सा बड़ा होना यहाँ पे बाकी है। और गाइस जब 100% हो जाएगा ना तब अपनी लेवल अपना शुरू हो जाएगा। चलो भाई तो इस वाले एरिया में और अपन को पानी वाला बब भी मिलना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो अभी जो ना गाइस अपन को क्या करना है गाइस, अपन को इस एरिया में जो ना गाइस ढूंढने हैं रेक्स सर जी भाई, ठीक है। ओ और आपको एक चीज मैं बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे एब्रेशन वाला स्पाइनो बना हुआ हूँ, अगर आगे जाके जो नॉर्मल स्पाइनोसॉरस है उन्होंने मेरे साथ मेटिंग करने से मना कर दिया ना, तो समझ लेना मेरा कट गया गाइस, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता यार यहाँ पे, क्योंकि द आइलैंड खेल रहा हूँ, द आइलैंड पे एब्रेशन वाले स्पाइनो नहीं होते, फिर सारी मेहनत भाई यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। वैसे चलो अभी थोड़ा सा भाई यहाँ पे हाथ गर्म कर लेते हैं भाई। क्या रे कौन रैप्टर, अरे छोटी बच्ची हो गया, छोटी बच्ची हो गया, तुम क्यों नोड़े की, इधर आओ इधर आओ, रैप्टर है
लाड मेरा भाई है कौन सेबर सेबर तू भाग बेच की आग रुक रुक जा रुक जा तेरे को तो ऐसा गंदी मौत दूंगा कभी तूने सोची ना होगी गाइस हेलो अरे अपन गाइस उड़ा दिया इसको भाई रुक जाओ थोड़ी सी हेल्थ भाई फूल कर लेता हूँ क्योंकि अभी जो ना गाइस एक खतरनाक से रेक्स से अपन को फाइट लेनी है बस उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को कोई रेक्स मिल जाए अगर मेरे को रेक्स ना मिला तो दिक्कत हो जाएगी गाइस 5% और बड़ा हो गया ना मैं तो यहाँ पे मैं पूरा अडल्ट हो जाऊंगा और मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे लेवलअप मिलना चालू हो जाएगी भाई रेक्स हेलो भाई ऐसा मत करो यार 7 समंदर पार करके आया हूँ मैं यहाँ पे ए भाई अरे कारनो का अचार डालूंगा क्या अच्छा कारनो के चाहिए भाई किसके रिक्स के चाहिए क्या अबे टायरानोसॉरस रेक्स ही है ना बेटा दो रेक्स ही ना हाँ रेक्स के चाहिए भाई हाथ और रेक्स वो रहा भाई चलो भाई रेक्स के हाथ लेके आते हैं भाई ये हाथ मेरे को दे दे ठाकुर रुक जाओ ये हाथ मेरे को दे दे ठाकुर मेरे को हाथ दे दे ये बाप रे अरे बेटा नहीं इतना गंदा कैसे मार रहा है मैं रो दूंगा मारना नहीं बेटा भाई पानी में तैर सकता हूँ आई कैन स्विम इन द वाटर ब्रो यू कांट पानी में आ जा भैंस क्या ये भाई गाइस मैं ना जा रहा भाई मेरे को ना मारना इस रेक्स को अभी कल्टी मार रहा हूँ चुपचाप मैं भाई हवा टाइट कर दी यार मैं तो इसकी तुसी भी लड़ाऊ नहीं कर पाया यार भाई रेक्स मार रहा है गाइस रेक्स बहुत तगड़ा मार रहा है गाइस बहुत तगड़ा मार रहा है आ भी रहा है मेरी तरफ आन दो तब तक मेरी हेल्थ फुल हो जाएगी फिर इसको दिखाता मैं कि शेर कौन है भाई और क्या मारा लुंडे ने यार अरे 2-3 फटके मारे होंगे गिन के मेरी डायरेक्टली हवा टाइट है भाई अरे क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है क्यों मौत को बुलावा दे रहा है तेरे को क्या लग रहा है लतीजे तेरे को लग रहा है आंडू पांडू समझ रखा है गाइस इसने आंडू पांडू समझ रखा है बेस की आप क्या नॉकबैक देखना है नॉकबैक यार तू क्या दिखा रहा है यार मेरा नॉकबैक देखना मेरा नॉकबैक भग जा थोड़ा पानी के अंदर चल भाई इसको घूमने में टाइम लगता है भाई हेल्पफुल कर रहे हैं 80-80 का टाइम है समथिंग कुछ दे रहा है भाई घूम फिर के आ रहा भाई यहाँ पे ठीक है कोई ना डर देगा भाई मार देंगे ये हाथ हमको दे दे अरे भाई कितने क्यों मार रहा है क्या मर गया हाथ उठा ले भाई हाथ भी ना उठा ले भाई पहले हेल्पफुल कर ले कचरे भाग बेच गया खावा टाइट हो गई यहाँ पे फट के हाथ में आ गई है ओए ए वो मेरा है अर्जी क्यों ना यार क्यों बेच के आप लाड़ मारा है अर्जी भाई मेरा शिकार है ना भाई वो मैंने मारा उसको भाई लेवल अप 77 लेवल अप भाई मैं यहाँ पे भाई इससे फाइट करते करते बड़ा भी हो गया मेरे को पता भी नहीं चला मेरा ध्यान ही नहीं रहा गाइस वहाँ पे एक्चुअली मैं भाई हाथ दे दे बेटा अबे हाथ मेरे पास पहले से है क्या वो मेरे को इसके दो हाथ मिल गए हैं भाई जा रहे रेक्स बड़ा आया रेक्स मेरे सामने रेक्स बनेगा भाई ये बैंड बजा के रख दे रुक जा भाई अभी यहाँ पे पटाक से अपन लेवल अप नहीं अपनी हीलिंग कर लेते सबसे पहले गाइस मीट खा के भाई फाइनली गाइज हमारी हेल्थ फुल हो चुके हैं हेल्थ फुल होते भाई यहाँ पे जो है ना गाइज एकदम मस्त है आप देख ही सकते हो कि बारिश भी आ चुकी है भाई और मैं थोड़े से हेल्थ में अपने भाई यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी अगर खतरनाक सा डायनो मेरे से पंगा लेना तो उसकी मैं बैंड बजा सकूँ भाई तो रुक जाओ थोड़ा मूवमेंट स्पीड में नहीं डालूंगा मैं मिली डैमेज में डालूंगा मेरा स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा जल्दी खत्म हो रहा है स्टैमिना में डालूंगा वेट में उतने ज़्यादा पॉइंट नहीं डालूंगा मैं मैक्सिमम पॉइंट जो ना गाइज मैं यहाँ पे अपने मिली डैमेज में डाल देता हूँ भाई बाप रे क्या लेवल अब मिली भाई और थोड़े से हेल्थ में भी डाल देता हूँ अरे अतरंगी वाला कॉस्ट्यूम मिल गया भाई काउबॉय वाले हैट मिल गए गाइज ये देखो भाई ओ भाई कलर चेंजिंग स्पाइनो बोल दे ब्रो गाइस ये देखो भाई हमारा कलर चेंजिंग स्पाइनो लग रहा है गाइस काफी ज्यादा कूल भाई वैसे मैं एक काम कर लेता हूँ अभी वैसे भी यहाँ पे फॉगी वेदर आ चुका है गाइस और इस वेदर में जो ना गाइस यहाँ पे रहना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है भाई तो मैं एक काम कर लेता हूँ और ऐसे भाई मतलब फटे हाल में मैं वो भाई नदी नहीं समंदर क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकता तो मैं थोड़ा कोपचेवाड़ी में जाके क्या करता हूँ बताया क्या अपनी हेल्थ पूर कर लेता हूँ और तब तक जो ना गाइस यहाँ पे ये बारिश वाला जो मौसम है वो भी चला जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे को कौन कौन सी चीजें मिली है भाई ठीक है तो मैं अपनी यहाँ पे हेल्थ भाई फुल कर लेता हूँ तब तक मे भी अपनी जो ये बारिश है ना गाइस वो भी चली जाएगी रुको गाइस तो गाइज ये रहा हमारा कलर चेंजिंग स्पाइनो बारिश यहाँ पे जा चुकी है और हमको भाई यहाँ पे देखो काउबॉय हैट देखो भाई मेरी आई काउबॉय हैट अच्छी लग रही है या फिर चश्मा ये चश्मिस भाई ये तो चश्मिस स्पाइनो लग रहा है बाबा नहीं भाई रेंदो भाई प्रोफेसर लग रहा है ये सैंटा क्लॉस भाई क्या क्या गिफ्ट मांगता है भाई किस किस को किस किस को क्या क्या गिफ्ट मांगता है नीचे कमेंट में डाल दो और भाई वो गिफ्ट आपको
सौ साल पूरे होने के बाद मिल जाएगा भाई, ठीक है चलो आ जाओ। अरे पापा की परी बन गया यार ये तो, ओ माय गॉड, ये तो भाई वो भाई क्यूट क्यूट जी भाई लड़की बन गया गैस हमारा स्पाइनो। लेकिन मेरे को काबो हेड जो है गैस वो काफी पसंद आया। और अभी मेरे को क्या करना है गैस, अभी तो भाई मजा नहीं है गाई, चलो आ जाओ भाई। अभी तो अपन को पानी वाला बूस्ट भी मिलेगा। और अपना फटका कितना, एक एक फटका कितने का जा रहा है भाई, एक पार्ट से। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता भाई। भाई 1500 का एक फटका जा रहा है मेरा, 84 लेवल का हो चुका भाई मैं। अरे बाप रे, कभी कभी लगता है अपन ही जो भगवान है भाई। ब्रूड मदर को मार दूंगा क्या मैं? अबे एट भाई, इतना ज्यादा डैमेज इसलिए जा रहा था। ऊपर देखो, ऊपर देख रहे हो गाइस, पानी वाला बूस्ट मिला था गाइस मेरे को भाई। मैं पानी में से भी आया था ना, और अपना जो स्पाइनो है आपको बताइए गाइस, स्पाइनो जो है ना गाइस उसको पानी वाला बूस्ट मिलता रहता है। और जब उसको पानी वाला बूस्ट मिलता है ना तो उसका डैमेज बढ़ जाता है विदाउट पानी वाले बूस्ट। अपना डैमेज जा रहा है 1300 का, जो कि काफी अच्छा डैमेज है गाइस, उतना भी बुरा डैमेज नहीं है गाइस, काफी तगड़ा डैमेज है। लेकिन ब्रूड मदर के सामने ये डैमेज थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। वैसे मेरे को यहाँ पे एक रेक्स की खोज है और मेरे को रेक्स मिल नहीं रहा, मेरे को ठाकुर के दो हाथ मिल चुके हैं, तीसरा हाथ किधर है भाई? रुक जाओ भाई, कहाँ पे भाई एक रेक्स, एक और रेक्स चाहिए भाई। यहाँ पे भाई रेक्स भर भर के होते हैं, लेकिन आज एक भी रेक्स स्पॉन आया। एक हुआ था जिसको मैंने मार दिया, लेकिन उसके अलावा और कोई स्पॉन हो ही नहीं रहा यार। हर तरफ आरजी आरजी दिखाई दे रहे मेरे को। अर्जेंट डेविस का क्या चार डालू, मेरी हेल्थ जो है ना गाइस वो थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा कम है यार। आप देख सकते हो गाइस, मेरी हेल्थ जो है ना गाइस काफी ज्यादा कम है, इसलिए थोड़ी सी मेरी हेल्थ में एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल रहा हूँ भाई। अर्जेंट डेविस इतने ज्यादा क्यों मिल रहे मेरे को यहाँ पे भाई? अर्जेंट डेविस का क्या चार डालूंगा मैं यहाँ पे भाई, खत्म भाई, टाटा बाय गुड बाय। रेक सही नहीं, चलो भाई चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। रेक जो ना गाइस वो अपन को यहाँ पे मिल नहीं रहे, लेकिन जिस चीज के लिए हम आ चुके थे वो चीज हो गई। प्लस अपन यहाँ पे 86 लेवल के भी हो गए गाइस इस आइलैंड पे हंटिंग कर करके। और हमारी हेल्थ भाई 6000 हो चुकी है, डैमेज 1500 का हो चुका है, अपन को अलग अलग तरह की स्किन्स मिल चुकी है, तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ भाई। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी बस अपन को जो ना गाइस यहाँ पे पहुंचना है ब्लू नहीं है, चलो मैं ग्रीन ऑब्लिक के पास, क्योंकि ग्रीन ऑब्लिक के पास जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को स्पाइनोसॉरस मिलेंगे इस मैप पे भाई। जो हमारा ब्लू नहीं भाई, ग्रीन ऑब्लिक भाई, ग्रीन ऑब्लिक की ऐसी जगह है जहाँ पे दो आइलैंड पे स्पाइनोसॉरस होते हैं भाई। और आप कहीं और जाओगे ना तो वहाँ पे हाँ एक रेडवुड की साइड में मिल जाते हैं आपको स्पाइनोसॉरस, उसके अलावा और कहीं पे स्पाइनोसॉरस नहीं मिलेंगे। तो मैं जो ना गाइस ग्रीन ऑब्लिक के पास, ग्रीन ऑब्लिक की तरफ अपना सफर जो ना गाइस वो चालू कर दूंगा। और ग्रीन ऑब्लिक पे जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे स्पाइनो भी मिलेंगे, और उस डायरेक्शन में जाते जाते मेरे को रास्ते में रेक्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि पिछली बार आपको बताया होगा कि हमको भाई यहाँ पे ग्रीन ऑब्लिक की तरफ जाते जाते ना काफी ज्यादा रेक्स मिले थे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को भी रेक्स मिल जाए, ब्रोंटोसॉरस मिल जाए, जिनको मार के मैं अपना घर बना सकूं। वैसे एक बात आपने नोटिस करी गाइज, पिछले दो एपिसोड में मैं एक भी बार नहीं मरा हूँ। हैं गाइस, बच्चा था एक दूसरा छोटू सा बच्चा था नन्ना मुन्ना सा, फिर भी भाई कोई मेरे को मार नहीं पाया गाइस। क्या बोलती पब्लिक, 16-16 का 10-10 का डैमेज दे रहा था, फिर भी मैंने सबके हवा टाइट करके रख दी भाई। मैं मजाक कर रही हूँ क्या? अपना स्पाइनोसॉरस काफी ओपी है, और मेरे को लग रहा है कि इस बार स्पाइनोसॉरस जो ना गाइस सबके बैंड बजा के रख देगा। एलोसॉरस है क्या ये? आलू रे आलू, कैसा है रे आलू, क्या कर रहा है आलू? का भेजा फ्राई कर रहे हैं, रुक जाओ, इसका आलू का जो ना गाइस भेजा फ्राई खाएंगे अपन। मिल गया का भेजा फ्राई आलू सर उसको मारने से जो ना उनका, ये देखो भाई 3-3 भेजा फ्राई मिल गया भाई आलू का इनका जो ना गाइस एकदम मस्त, भी भेजा फ्राई करके अपन खा जाएंगे। चला जा बेटा, ए चिल्ला बाद में, चलना आगे चलना भाई। ए कौन है ए नन्ना मुन्ना सा बच्चा यार, ये कौन? वन शॉट किल यार, हेलो वन शॉट किल। और गाइस ये डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग पे अपना सर्वर चल रहा है भाई, बूस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक डैमेज मैंने 1% करा था, 1.5 कर दिया था, उतना है भाई, बस थोड़ा सा इतना सा बढ़ा दिया था, उसके अलावा पूरा डिफॉल्ट चल रहा है भाई अपना सर्वर। और रेडी टू मीट लिख के नहीं आ रहा गाइस, मेरे को खुद का जान लेना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। आपको बताओगा गाइस कि यहाँ पे जब तक रेडी टू मीट लिख के नहीं आता है, तब तक मैं किसी और भाई फीमेल के साथ गच्चो गच्चो करके अपना बेबी बना नहीं सकता, बेबी पैदा नहीं कर सकता। अगर मेरे को बेबी पैदा करना है तो मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे गच्चो गच्चो करना पड़ेगा। हेलो अल्फा रैप्टर, रुक जाओ। और उसके लिए जो ना गाइस वो ऑप्शन नीचे आ नहीं रहा, इसलिए मैं अपना घर जो ना गाइस वो सबसे पहले बनाऊंगा, वो घर लगाऊंगा, और उसके बाद मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा। उससे पहले अल्फा रैप्टर क्या रे, बड़ा हो गया गाइस क्या? 24 लेवल का अल्फा रैप्टर, खत्म, भगवान के पास पहुंच गया भाई। मजाक कर रहे हो गाइस, क्या धोए जा रहा हो यार सबको? ब्रोंटोसॉरस, ओके मेरे को ब्रोंटोसॉरस को गाइस मारना पड़ेगा, ब्रोंटोसॉरस को मारूंगा तभी तो भाई अपना घर बनाने का सामान भाई कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पे ऊपर भी ब्रोंटो है क्या? इस पहाड़ी पे मैक्सिमम करके ब्रोंटोस मिल जाते हैं, बट ओ ये पहाड़ी रेक्स की पहाड़ी है भाई, यहाँ पे कभी कभी रेक्स आ रहे। मुन्ना, अरे मेरे मुन्ना, तेरे को तो ढूंढ रहा था यार, जिसको ढूंढा गली गली
वो हमको इस पहाड़ पे मिली, आ जाओ चलो रुक जाओ, इसको जो ना जाबे पेलम पाल दे देते हैं भाई, ठीक है, हेल्थ का टेंशन नहीं लेने का, दो पैरों पे खड़ा हो, दो पैरों पे खड़ा हो, पट से हेड शॉट गाइस। गाइस यहाँ पे हमको जितने हाथ चाहिए थे उससे भी ज्यादा हाथ मिल चुके हैं, और अभी अपन को जो ना गाइस ब्रोंटोसॉरस का जो भाई स्पाइन होता है ना गाइस उसकी जरूरत है, वो तो अपन को जो ना ग्रीन ऑब्लिक में दरअप भाई पहुंचते पहुंचते मिल जाएंगे, रास्ते में जितने भी ब्रोंटो मिलेंगे उन सब की जो ना मस्त भी मैं भुर्जी बनाते हुए जाऊंगा। या फिर रेक्स को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन रेक्स को तो अपन ने पहले पाल दे दिया है, देखो ब्रोंटो कैसा रे बाबा, तेरे स्पाइन दे देना, उधार दे दे, कल पक्का तेरे को रिटर्न दे दूंगा। हाँ चलो भाई, इसने तो उधार दे दिए भाई, इससे मांग देता हूँ भाई। हेलो आवार बेटा, तेरी भी उधार मिलेगी, फेल डाला, स्पाइन कितना मिल गया, धक्का मत मार बेटा, धक्का मारता है भेज के आप। चलो गाइस तीन स्पाइन अपने कब्जे में आ चुकी है गाइस, और अपन ओवरवेट बिल्कुल नहीं हो रहे यार यहाँ पे। ओ गाइस भाई स्पाइनो तो माइनर भाई, देखो भाई एकदम मजदूर बन गया गाइस, ये देख रहा हूँ मजदूर बन गया अपना स्पाइनो भाई, अभी सर पे जो ना गाइस हेलमेट लगा के बैठा है भाई अपना स्पाइनो सरज, खतरनाक लग रहा है ये वाला भी स्किन, लेकिन ना मुन्ना ना ये वाला स्किन ओपी है भाई, ये वाला स्किन मेरे को काफी पसंद है। मैं इस बार जो ना कैसे अपने हेल्थ में क्यों ज्यादा पॉइंट डाल रहा हूँ बताओ, पिछली बार मैंने रेक्स के साथ एक गलती करी थी, मैंने रेक्स के डैमेज में ज्यादा पॉइंट और हेल्थ में कम पॉइंट डाले थे, और उस ब्रूड मदर ने जो मेरे को धोया था भाई मैं भूल नहीं सकता भाई, मैं उसके भाई उससे ऐसा डर डर के भग रहा था भाई, इतना गंदा डैमेज वो छोड़ो उसके मिनियन ने मार दिया मेरे को पिछले वाले भाई प्ले एज अ डायनो के 100 डे वाली सीरीज में, इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है भाई अपन को इसी रास्ते आगे आगे चलते चलते जो ना ग्रीन ऑब्लिक के पास पहुंचना है, और वहां पे अपनी फैमिली बनाने का काम शुरू कर देना है, रास्ते में दो तीन अगर ब्रोंटो मिल जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। ओके मिल जाएंगे क्या, मिल गए भाई, चलो ये लो भाई जो मांगोगे वो मिलेगा भाई, ये लो भाई मेरा ब्रोंटो कैसा है बाबा, चल कल आना कल, खत्म स्पाइन मिल गई मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कारनो बिरनो कल आना बेटा, सबकी बैंड बजाएगा गाइस में। चलो गाइस तो एक काम कर लेते हैं ना भाई, हमारा ग्रीन ऑब्लिक की तरफ जो सफर है वो भाई ये पे जारी रख दे, लेकिन गाइस अपन वो सब पूरा सफर जो ना गाइस अगले एपिसोड में करेंगे, आज का एपिसोड फिलहाल के लिए यही पे खत्म करते, मिलते गाइस आपसे अगले एपिसोड में। वैसे गाइस आज जो हमारी रेक्स के साथ फाइट हुई वो फाइट आपको कैसी लगी, और ये हमारा प्यारा प्यारा सा भाई काउ बॉय जो हमारा स्पाइनोसॉरस है वो कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते आपसे अगले एपिसोड और मैं गाइस यहां पे आर्क सर्वाइवर रिवोल्ट के प्ले एज अ डायनो के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। और गाइस क्या मैं उस खतरनाक से ब्रूड मदर को मार पाऊंगा, ये जानने के लिए प्ले एज अ डायनो के आगे के एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, सी यू लेटर। Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.